पीलीभीत में आसमान से एक मकान के ऊपर रहस्यमयी पत्थर गिरने का मामला सामने आया। इस पत्थर को लेकर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मकान के मालिक का दावा है कि उनके घर के ऊपर उल्का पिंड गिरा है और आसमान से गिरने के बाद काफी देर तक पत्थर को छूने पर गर्म महसूस हुआ। अचानक से पत्थर गिरने से मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल अब इलाके के लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये मामला शहर के इनायतगंज मोहल्ले का है। इस इलाके के निवासी सुनील गुप्ता बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इन्हीं के मकान में रात करीब 1 बजे आसमान से तेज धमाके के साथ बमनुमा आकार का पत्थर का टुकड़ा गिरने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सुनील गुप्ता का कहना है कि मंगलवार को सुबह जब उन्होंने छत पर जाकर देखा तो एक विशालकाय पत्थर उनकी छत पर पड़ा था। इस पूरे मामले की सूचना उन्होंने प्रशासनिक अफसरों को दी। आसमान से गिरी वस्तु की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले वासियों को धमाका सुनाई दिया। इतना ही नहीं, आसमान से गिरा ये पिंड 7 घंटे बाद भी काफी गर्म था। इसके गिरने से घर की दीवार भी चिटक गई और लोहे की चादर भी टेढ़ी हो गई। दूसरी ओर अंतरिक्ष से पत्थर गिरने की सूचना इलाके में फैलते ही लोगों में पत्थर देखने की होड़ शुरू हो गई और उल्का पिंड मानकर लोग सुनील गुप्ता की छत पर जाकर एकत्र हो गए और पत्थर के सामने माथा टेकने लगे। एक तरफ मकान स्वामी रहस्यमय पत्थर को उल्का पिंड बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग पत्थर की पूजा करने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार इस बारे में राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका का कहना है कि आकाश गंगा से गिरने वाले उल्का पिंड धरती तक नहीं पहुंचते बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर ढाका के मुताबिक ये किसी की शरारतपूर्ण घटना है। घर में रात में सोमवार की नाइट में एक पत्थर गिरा के आसमान से, एक बहुत भारी पत्थर गिरा। मैं वो बहुत हीट मार रहा था, मैंने उस रात में नहीं उठाया, देखा तो पता लगा था मेरा जाल भी टेढ़ा हो गया। सुबह उठ के मैंने फिर हटाया उसको, बहुत ज़्यादा धमाका हुआ था, मोहल्ले के सभी ने आवाज़ सुनी थी इसको। हम घर में हम दोनों जने थे, मैं और मेरी पत्नी थी, और हमने सुबह को फिर हटाया वहाँ से पत्थर। घर की सारी बाउंड्री भी चटक गई पत्थर के धमाके से। अभी मेरे घर के सामने सोमवार की नाइट में जो एक बहुत विशाल पत्थर गिरा है तो उसके बारे में मुझे अंकल जी ने अवगत कराया। उसके बाद मैं तुरंत आया, मैंने देखा मौके पर कि बहुत भारी उसकी वजन था और हीट भी हो रहा था, जैसा कि अभी हमने उसको वहाँ पर रख दिया है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और पता चले कि ये क्या है और किस प्रकार से आसमान से ये बमनुमा नाम का पत्थर घर में गिरा है।